बिहार बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए, लेकिन इस बार रिजल्ट घोषित करने से पहले बिहार बोर्ड ने फूंक फूंक कर कदम उठाया। दरअसल पिछले दो सालों से टॉपर्स घोटाले की वजह से किरकिरी होने के बाद बिहार बोर्ड ने इस बार सभी टॉपर्स की पूरे तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद ही रिजल्ट घोषित किया। फजीहत से बचने के लिए बिहार बोर्ड ने एक कमेटी बनाई जिसने सभी टॉपरों की कॉपियों की दोबारा से जांच की। साथ ही इसके बाद कमेटी ने इन सभी टॉपर्स का भौतिक सत्यापन करवाया, साथ ही साथ स्कूलों की भी जांच करवाई गई। इस बार बिहार में 10वीं की परीक्षा में 17,23,911 स्टूडेंट्स शामिल हुए, जिसमें से 8,63,950 स्टूडेंट्स पास हुए, यानी कि इस बार 50.12% छात्रों ने 10वीं की परीक्षा पास की। इस बार मैट्रिक की परीक्षा में लखीसराय के प्रेम कुमार स्टेट टॉपर रहे, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर जमुई की भव्य कुमारी और हर्षिता कुमारी। तो इस बार फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही नतीजे जारी। सभी टॉपर्स के फिजिकल वेरिफिकेशन करने के उपरांत सभी टॉपर्स के जांच, उनकी कॉपियों की जांच, उनकी योग्यता की जांच, इन सभी को विशेषज्ञों के द्वारा की जानी स्पष्टता। यह सरकारी विद्यालय है, सरकारी विद्यालय में जब वह राज्य सरकार के अधीन है उस सरकारी विद्यालय की स्थापना सरकारी प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है। अतः ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार के विद्यालय पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।